हम प्रवचन करने वाले नेता लोग, भाषण करने वाले सब लेकर के खड़े होते हैं, हम धर्म में आगे हैं। 363 हमारे शहीद हुए, उनके लिए हमने क्या किया है? मैं तो कहता हूँ ये जो प्रवचन कर रहे हैं ना हम, ये हरा रंग छिड़कने का काम कर रहे हैं हम, मगर उसकी जड़ों की तरफ कोई नहीं देख रहा। जिसमें वंदन कर हमारे मंचस्थ विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में वंदन कर और अदृश्य शक्ति संत समाज को बार बार वंदन कर और हमारे हृदय में विराजमान परम शक्ति परम आधार जगत नियंता हमारे प्रभु भगवान विष्णु सर्वव्यापक इस शक्ति को हम जब सब भजते हैं जो हमारे अंदर है उनको वंदन करते हुए भक्ति स्वरूपा मातृगण भाव स्वरूपा भक्तगण भगवत स्वरूपा बाल गोपाल सबको वंदन कर आज का ये जो अवसर है यह अमावस्या की रात्रि में है और अमावस्या अब लग चुकी है मगर प्रभाव पहले ही पड़ता दिखाई दे गया उसका, क्योंकि एक शुभ दिन नहीं ये अशुभ दिन है। मैं हमेशा कहता हूं विचार करके देखना शास्त्रों से, ये शुभ दिन नहीं है, ये कहीं ना कहीं अशुभता का प्रतीक है। उसको शुभ बनाने के लिए हम यज्ञ हम ये मेले और हम ये सब कुछ जो कार्य कर रहे हैं सत्संग आदि उसको शुभ बनाने के लिए कि हमारे जीवन में वह बड़ा शुभता को दे और हमें सच्चा बना दे। हम जो थे जो गुरु महाराज ने बनाए वो बन जाए, मगर अब नजर नहीं आता क्योंकि द्वेष था बढ़ती जा रही है। चाहे किसी भी स्थान पर जाएं, चाहे किसी भी रूप में देखें, उदाहरण हम बहुत अच्छे पेश कर देते हैं कि भाई आप लोग कौन हो, आप लोग ये जो बहुत आप सुनते रहिए, मैं वही बता रहा हूं। हम लोग यही उदाहरण पेश करते हैं कि ये आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं, आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मगर गुरु महाराज ने क्या कहा था उसके ऊपर हमने चिंतन किया ही नहीं। भोजन बना करके खिलाना गलत बात है, छोड़ दो, ठीक है छोड़ दीजिए और छोड़ना चाहिए, समर्थन करता हूं, मगर किसी को कुछ, सब में भगवान बसते हैं ये हम सब कहते हैं और ये हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, मगर फिर उनको कैसे हम अशुद्ध कह दें, वो भी तो हमारे हैं। मगर ये सब बातें बहुत अच्छी है और इनको हम सबको धारण करें, मगर ये बात एक बात है, ये विष्णुई समाज और हम जिन बात की निंदा कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत रहता कैसे है, 532 साल हो गए अब भी गलत है, अब भी कोई सुधार नहीं, बिगड़ता जा रहा है। हम ये भाषण में बार बार ये कहते हैं, जो भी लगता है जिसके हाथ में माइक वो कहता है बिगड़ता जा रहा है, सुधरता क्यों नहीं, क्यों नहीं सुधरता, किस लिए, सुधारो सुधरो, सुधरता क्यों नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, हम केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, इसलिए नहीं सुधर रहा। हम बने एक सुधरेगा, ये जो बैठे हैं ये हमारे वृक्ष हैं, इन वृक्षों को हम हरा रखना चाहते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी बुजुर्ग माताएं हैं जिनको नहीं आता कुछ आहुति देना आदि, क्यों नहीं सीखे, क्योंकि हमने सिखाने के लिए किसी भी सभा किसी ने संत किसी और कोई भी जो हम जो बना रहे हैं उन संस्थाओं ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे
ये सुधर जाए, उनके लिए कोई ऐसी पद भी नहीं बनाई, अब तक बनी भी नहीं है। एक भी विद्यालय है इस समाज का बोलो जिसके अंदर हमारे धर्म की बात पढ़ाई जाए? मुसलमानों में कितने हैं, ईसाइयों में कितने हैं, सिखों में कितने हैं, और कितने हैं जो 200 वर्ष पहले जो समाज बना स्वामीनारायण, जिसके हर शहर में 300-300 विद्यालय, और छोटा शहर है तो 2-4-5 मिलते हैं। अहमदाबाद से आए हुए बैठे यहाँ, कितने विद्यालय स्वामीनारायण के, और गुजरात में कितने हैं, दूसरे देशों में कितने हैं? क्यों भाई 200 वर्ष हुए उनको? क्योंकि हम शिक्षा पद्धति में हमारे धर्म को आगे नहीं लाए और ना उसके लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं। और जब तक उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं होगा, पेड़ के ऊपर कितना हरा रंग छिड़क दो, मैं तो कहता हूं ये जो प्रवचन कर रहे हैं ना हम, ये हरा रंग छिड़कने का काम कर रहे हैं हम, मगर उसकी जड़ों की तरफ कोई नहीं देख रहा, जिसमें कीड़े लगे हैं, वो सुधर नहीं रही। वो जब नहीं सुधरेगी तो तब कैसे हरा रहेगा पेड़? धर्म रूपी पेड़ को हरा रखना है तो जड़ों को पहले मजबूत करो, और वो जड़े हैं हमारे युवा, हमारे ये बच्चे। जब बच्चे ऐसे विद्यालयों में पढ़ करके आएंगे, अब किसके पास में समय है कि आप धार्मिक ग्रंथों को मैं कितना लिख करके बांट दूं, आप पढ़ोगे? कितने लोग पढ़ने वाले? सबके पास समय नहीं है क्योंकि धन कमाना है, मगर विद्यार्थी के पास समय होता है, उसको पढ़ाओ। उसके लिए ऐसा विद्यालय जिसमें हम ये ग्रंथ पढ़ाए, तब हमारा समाज आगे आएगा, तब हमारे समाज को इन शिक्षाओं को देने की जरूरत नहीं, तब पता चलेगा कि शास्त्र क्या है और हम बोल क्या रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, कौन गलत है। गलत कोई नहीं है, गलत हमारी पद्धतियां हैं। सुधरे हमारे धर्म क्षेत्र जिनके ऊपर बाहर से आकर के लोग उंगली उठाए, ये सहन कैसे हो सकता है? खेजड़ली आते हैं तो देखते हैं वहां कचरा, हम उसी में मेला सजाते हैं, इतना इतना कचरा खड़ा है, कोई आकर के ये नहीं कहता कि ये ऐसा मेला क्यों, कोई ऐसा नहीं आकर के आगे, कोई संस्था आकर के उसकी सफाई कराने को तैयार नहीं है। क्यों? वहां खेजड़ी चतुर्मास के अंदर बारिश के समय में सूखती है, फिर भी उनको हरा। हम प्रवचन करने वाले नेता लोग, भाषण करने वाले सब लेकर के खड़े होते हैं, हम धर्म में आगे हैं, 363 हमारे शहीद हुए, उनके लिए हमने क्या किया है? जगह में जिन्होंने हमारा नाम किया है, जिनके नाम से हम बोलते हैं, उनके लिए हमने क्या किया? किसी के पास में जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी हम बातें बातों में और जहां पोस्टर लगानों में हमारा नाम है उनके आगे, मगर हम कभी उसके लिए, सुधार के लिए कभी कोई काम करने को लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं है, ये जितने भी बिजनेसमैन है आज सब सहयोग देने के लिए तैयार है, मगर कभी इनको आगे बुलाया भी तो नहीं। कितने नौकरी वाले हैं, सब सहयोग करने के लिए तैयार है, कभी इनको आगे बुलाया तो नहीं, क्योंकि हम ही बोलते हैं इनके नंबर कहां। इनको कुछ देने का नंबर कहां है? इनको कभी सम्मान दिया तो नहीं? इनसे कहे देते रहो, मगर सम्मान कहां है इनका? इनसे कहे अब आओ, बहुत इन्होंने बहुत कुछ किया, उनका सम्मान कहां है? वो सम्मान देगा समाज तो समाज कौन देगा? संस्थाएं कौन देगा? वो संस्थाएं जब आगे लाएगी उनको, वो काम करेंगे। यहाँ यज्ञ कुंड की हम बात करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कुंड, और हम उनमें पत्थर के फेंक रहे हैं, खोपरे मत खरीदो, ये बात ठीक है, मत खरीदो, फेंको मत, फेंकना है तो भगवान को दर्शन से ज्योति स्वरूप ही है, एक ज्योति में ही दर्शन कर लो। मगर बात यहाँ है कि अगर जरूरत नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था हो, आपको कभी मेरे साथ चलना, यज्ञ कुंड की व्यवस्था दिखाता हूं। गुजरात में 108 यहाँ यज्ञ कुंड बने इस क्षेत्र में, और एक ही मिनट के अंदर 10 आदमी आहुत दे करके एक यज्ञ कुंड से खड़े हो, और जो घी आता है उसकी पद्धति सर हो, आहुति लगाए तो क्या नहीं हो सकता? और बोले व्यवस्था नहीं है,
कितने यहां बैठे होंगे जो बिजनेसमैन है, उनको एक बार आदेश दो, क्या ये यहां से खरीद करके जमीन आगे हटा करके यहां नहीं बना देंगे? वो एक एक यज्ञ कुंड की आदेश दो, वो बनाएंगे, सारी पद्धति बनाने के लिए तैयार है। अगर कोई कहे तब सबको आगे लाओ, तैयार है वो। और एक बात और, यहां जब हम बैठे हैं इस भूमि पर, इस भूमि को स्वतंत्र हमारे सब हमारे हैं जो बाहर रहते हैं यहां रहते हैं, ऐसी ये भूमि इतनी बड़ी हो कि जितने अब लोग बैठे खड़े क्यों हैं, इनके लिए व्यवस्था आपके पास में, आप जाओगे उदाहरण मिलेंगे, इतने इतने बड़े मंच बनते हैं, इतनी इतनी जगहें हैं उनके पास में। हमारा सबसे बड़ा धाम है जिसके पास जगह नहीं। यहां आकर के हमारे बच्चे क्या सीखते हैं भाई? ये सीखते हैं हमसे सुन करके एक दूसरे का वाद विवाद। बच्चों को सिखाने के लिए वो चरित्र हो जो दिखने लगे कि ये बच्चे हमारे गुरु महाराज यहां आए थे, ऐसे आए थे, वो दिखाओ। अगर स्वामीनारायण बना सकता है ऐसी चित्र और ऐसी व्यवस्था, हम नहीं बना सकते क्या? क्या हमारे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है? सब कुछ है मगर करते नहीं है, केवल एक दूसरे के टांग खींचने में लगे राजनेता। हम आप सब एक भाई दूसरे भाई को तोड़ने में लगा है। अरे भाई भाई हो, प्राणों से जिस प्रकार हमें बताया गुरु महाराज ने, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु को भणो। मगर विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक परमात्मा, और भणने का मतलब है जानो सब में रहते हैं वो परमात्मा। ये बात क्यों नहीं जानते? अगर ये बात जान जाओगे जिस दिन, उस दिन कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई भाई भाई से दुश्मनी नहीं रहेगी, माँ बाप बेटे में ये भाव नहीं रहेगा, प्रेम का भाव होगा। एक नियम, एक गुरु मंत्र जिसको हम लेते हैं, सब कहते हैं शब्द गुरु है, मैं भी कहता हूं शब्द गुरु ब्रह्म है, ये सारी बात है, मगर शब्द गुरु है उस शब्द की कहां तक परिभाषा हम जानते हैं? जो हमने गुरु मंत्र लिया है उस मंत्र का अर्थ कितने लोग जानते हैं? कितना उतारा है जीवन में? नहीं उतारा। तो वैसे ही हम बातें करें, चिंतन करें, इससे कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप जो कर रहे हो, ये लोग जो भी आपको कुछ भी कहे, मगर जब आप धर्म पथ पर चलो, और धर्म को आगे बढ़ाना है, करना हमें ही पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। जिसके पास माइक आएगा वो केवल आपको समझाएगा, करोगे आप उठोगे, जब हम मिल बैठेंगे सब मिल करके ये चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, तब होगा। और जब जहां राजनीति होगी, जहां चाहे संतों में राजनीति हो, चाहे भक्तों में राजनीति हो, चाहे संस्थाओं में राजनीति हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखते रहो और सुनते रहो, तमाशा ही तमाशा है। मैं एक ही बात अंतिम में कहता हूं, सब में परमात्मा बसते हैं, उस परमात्मा को तो देख लो, और कुछ मत देखो, उसको देख लो। बाकी और जितने भी नियम हैं, इन नियमों को पालन नहीं करवा पाएंगे मेरे जैसे कहने वाले आपको, मैं नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कैसे करवाऊंगा? आप भोजन मैं करता हूं तो मेरी भूख मिटती है, आप करोगे तो आपकी भूख मिटेगी, मेरे वाले निवाले से आपका कैसे काम चलेगा? आपका काम नहीं चल सकता तो फिर मैं कैसे मिटा सकता हूं? आपकी भूख आप मिटा सकते हो तो धर्म पे आप ही चल सकते हो। बस इतना ही मेरा कार्य है कि मैं आपको सदमार्ग बताऊं, सदपथ बताऊं। आपका चलना आपके ऊपर है, नहीं चलोगे तो आप जानो, क्योंकि गुरु महाराज ने आपको जो उपदेश दिया, चलोगे तो मैं भी राजी होऊंगा, आप भी राजी होगे, और सब राजी राजी रहेंगे। और जब तक जिएंगे तो युक्ति पूर्वक, और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे करते करते चले गए तो ना तो जी पाएंगे और ना मर पाएंगे, दोनों में अधूरे रह जाएंगे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप और हमें सद्बुद्धि दे भगवान, और हम हमेशा जीवन सत्पथ पर चले। बस यही मैं भगवान से अरदास करता हूँ, और भगवान हमें ऐसी शक्ति दे। बोले विष्णु भगवान की। Oh.